आज हम कंपेयर करने वाले हैं प्रवोग बैकपैक को और अमेरिकन टूरिस्टर के बैकपैक को। आपको देखने में ऑलमोस्ट सेम साइज़ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का जो लेंथ वाइज है वो सेम हो सकती है डायमेंशन, लेकिन जो इसकी विथ है और जो डेप्थ है वो प्रवोग की ज़्यादा है अमेरिकन टूरिस्टर से। रीज़न ये है कि प्रवोग जो है वो आपको 40 लीटर का स्पेस देता है, वहीं अमेरिकन टूरिस्टर आपको 29 लीटर देता है। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लगभग 11 लीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 29 लीटर मिलता है, यहाँ पे आपको 40 लीटर मिलता है। बात करते हैं फैब्रिक की, तो अमेरिकन टूरिस्टर का फैब्रिक है वो पॉलिस्टर है, प्रवोग का भी पॉलिस्टर है, लेकिन जो प्रवोग का पॉलिस्टर है वो बेटर डेनियर है, जिसकी वजह से ये बैग वाटर रेसिस्टेंट हो जाता है, वहीं अमेरिकन टूरिस्टर वाटर रेसिस्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं फ्रंट पॉकेट्स की, तो आपको अमेरिकन टूरिस्टर में कोई फ्रंट पॉकेट नहीं दिखेगी। अगर आप प्रवोग की बात करें तो यहाँ पे आपको एक यहाँ फ्रंट पॉकेट दिखेगी और एक फ्रंट पॉकेट यहाँ दिखेगी, तो प्रवोग आपको एक्स्ट्रा पॉकेट्स दे रहा है फ्रंट पे। कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो 1, 2, 3 कंपार्टमेंट आपको अमेरिकन टूरिस्टर में मिलते हैं, वहीं आपको अमेरिकन प्रवोग में 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं, लेकिन इन 2 कंपार्टमेंट का जो स्पेस है वो अमेरिकन टूरिस्टर से कई गुना ज़्यादा है। थर्ड थिंग, अमेरिकन टूरिस्टर के किसी भी कंपार्टमेंट में लैपटॉप स्लीव नहीं है, तो आप लैपटॉप अलग से नहीं रख सकते, आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। हालांकि इसकी बैग पैडेड है तो आप यहाँ पे लैपटॉप रख सकते हैं, लेकिन आपका लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा हिलेगा। प्रवोग की बात करें तो यहाँ पे आपको ये लैपटॉप स्लीव मिलती है, ये पैडेड है दोनों तरफ से, तो आपका लैपटॉप इसमें सेव रहता है, तो ये प्रवोग का एक और अच्छा फीचर है। साथ के साथ आपको अमेरिकन टूरिस्टर में यहाँ पे एक पॉकेट तो मिलती है, लेकिन इसमें कोई रेन कवर नहीं है, ये पॉकेट एक हिडन पॉकेट की तरह वर्क करती है। वही बात करते हैं प्रवोग की, तो यहाँ पे आपको प्रवोग की तरफ से ये एक रेन कवर मिलता है, जो कि आप रेनफॉल के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो अंदर भी गैजेट्स और स्टफ है उसे बचाने के लिए। साथ के साथ बात करें अगर इसके बैक की, तो इसका जो बैक है आप देख सकते हैं बहुत 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 ड्रास्टिक डिफरेंस है। यहाँ हिप बेल्ट्स हैं, स्टर्नम बेल्ट है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये सेमी पैडेड स्ट्रैप्स हैं, ये भी सेमी पैडेड हैं, लेकिन इनका जो पैडिंग्स है वो ज़्यादा बेटर है अमेरिकन टूरिस्टर से। साथ के साथ यहाँ पे आपको एयर चैनल्स मिल जाएंगे, वो एयर चैनल्स यहाँ पे नहीं है, तो ये कंफर्टेबल ज़्यादा है। यहाँ हिप बेल्ट्स पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी छोटे मोटे स्टोरेज के लिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एब्सेंट है। मैं इन दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का जो प्राइस रेंज है वो दोनों सेम है। ये भी आपको 1000 का पड़ता है, ये भी आपको 1000 का पड़ता है, लेकिन दोनों की जो क्वालिटी है, दोनों के जो स्टोरेज हैं, दोनों के जो फीचर्स हैं, उनमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और आप साफ से समझ गए होंगे कि प्रवोग बेटर है अमेरिकन टूरिस्टर से। हालांकि प्रवोग आप कॉलेज स्कूल नहीं ले जा सकते, ये कॉलेज स्कूल के लिए नहीं है, ये ट्रैवलिंग हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए है, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप प्रवोग उसके लिए ख़रीदें। वहीं अगर आप कॉलेज स्कूल के लिए लेना चाहते हैं तो अमेरिकन टूरिस्टर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक आपको एक मिनिमलिस्ट ट्रेडिशनल बैकपैक का लुक देता है स्कूल कॉलेज के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिकन टूरिस्टर से बेटर कोई बैकपैक है या अमेरिकन टूरिस्टर बाकी सबसे बेस्ट है, तो उसके भी कंपैरिजन हमने कर रखे हैं अपनी कंपैरिजन सीरीज़ में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, फिर हमारे कंपैरिजन सीरीज़ में जाके वीडियो देखिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी आपके लिए कंपैरिजन लाते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।